हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा था, मेरे पास रिक्वेस्ट तो बहुत बार आया, सर रिज्यूम के बारे में बताइए, रिज्यूम के बारे में बताइए, रिज्यूम कैसे बनता है। मतलब पिछले 3-4 महीने के अंदर बहुत लोगों ने कमेंट किया, सर रिज्यूम के बारे में बताइए। फ्रेंड, इसका मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, रीज़न था मेरे पास बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड की वजह से नहीं बना रहा था, क्योंकि उस पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, हाईलाइट करना चाह रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेट होते होते लग गया कि लोगों को हाँ शायद ये वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा रिज्यूमे के बारे में। देखिए, रिज्यूम अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिज्यूम, या मैं स्पेशली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिज्यूम के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा। उसे रिज्यूमे तो खैर बहुत टाइप के होते हैं, और जो मेरा पर्सनल अपना रिज्यूम है फ्रेंड, मैं कई सालों जो रिज्यूम यूज करता हूँ वो पेड वर्जन है, मीन्स खरीदा हुआ रिज्यूम है, ठीक है। यह अलग बात है कि मैंने उसके लिए पे नहीं किया, मैंने कहीं से जुगाड़ से उसको लिया था, और मेरे टाइम पे उतने क्वालिटी के रिज्यूम नहीं आते थे, या इजिली मैं कह लूँ मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। अभी अवेलेबल है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिज्यूमे आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल रिज्यूमे, आपको फॉर्मेट चाहिए होगा, फॉर्मेट आपको दो जगह मिल सकता है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग जानते हो बट कुछ लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। रिज्यूम आजकल डिज़ाइन करना बहुत आसान हो गया, हमारे टाइम में बड़ा टफ रहता था, मतलब हमें ढूंढना पड़ता था, ठीक है। चलिए मैं मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से रिज्यूमे आप सकते हैं, और इतना फैंटास्टिक रिज्यूम बना सकते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। देखिए, होता क्या है कि एक हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है ना, इसके अंदर एक ऐप आता है जिसका नाम है WPS। ये मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इसमें एक ऐप है, ये WPS। ये WPS मतलब जो हमारे एक्सेल की फाइल होती है इसको ओपन कर लेता है, और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेल है, वर्ड है, PDF है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो ये सब चीजें ओपन करने के लिए मोबाइल में समझ लीजिए MS ऑफिस की तरह काम करता है। मींस MS ऑफिस वाला सारा काम मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर हमें अगर यूज करना होता है तो WPS आपके मोबाइल में होना जरूरी है। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है, और हम जैसे प्रोफेशनल के लिए तो बहुत ही रामबाण की तरह समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज आता है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। इसके अंदर तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो आपके लैपटॉप में नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो इसको आप ओपन करिए, ठीक है। अभी तो मेरे डॉक्यूमेंट दिखेंगे, मैं थोड़ा हटा देता हूँ एक्चुअली। इसको आप ओपन करेंगे फ्रेंड, तो इसमें ना आप सर्च करिए, डेटा ऑन रखिएगा। डेटा ऑन करने के बाद जो इसमें सर्च करिएगा रिज्यूम। जैसे आप इसके अंदर रिज्यूम सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिलेगा रिज्यूम का, और बहुत अच्छा टेम्पलेट मिलेगा। उसमें जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए वो लेटेस्ट डिज़ाइन है, देखिए, ठीक है, वो जो है वो लेटेस्ट डिज़ाइन होगा। मैं इसमें थोड़ा सर्च कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। आप अपने मोबाइल में सर्च करके देखिए, क्योंकि मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ अगर इट मे बी, क्योंकि इसमें ऐड आता है, जब भी आप कुछ भी क्लोज करो ओपन करो ना, इसमें ऐड आ जाता है। मैं एक मिनट फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूमे हैं, तो मैं आपको बताऊँ इससे बेटर ये है कि ये देखिए प्रोफेशनल रिज्यूम, देखिए RESE मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद मेरे पास इसमें 3-4 रिज्यूम का देखिए मॉडल खुल गया है इसमें, ठीक है। आप ये देखेंगे, अगर देख पा रहे हो इसमें देखो 2-3 पैटर्न खुल गया है, ठीक है। इसमें मैं एक पैटर्न सिलेक्ट करता हूँ, प्रोफेशनल रिज्यूम, ये 3rd नंबर पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसमें रिज्यूम कवर भी है, 2-पेज रिज्यूम भी है, सिंगल पेज रिज्यूम भी है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छा रिज्यूमे मॉडल ले सकते हैं और इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। इवन दैट मोबाइल के अंदर ही आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपना पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। और इसके अंदर रिज्यूमे बनाने का इतना अच्छा आइडिया दिया हुआ है कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ इससे अच्छा, मतलब समझ लीजिए ये जो रिज्यूम का मॉडल दिया हुआ है, ये अर्लियर कुछ टाइम पहले ना ये पेड रिज्यूम हुआ करते थे, बट अभी आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। देखिए मैंने एक पैटर्न ओपन किया हुआ, ऐसे में बहुत सारे, देखिए ये 2-पेज रिज्यूमे का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। 3-पेज रिज्यूमे हैं, इसमें 1-पेज 2-पेज 3 रिज्यूमे हैं, आप देख सकते हैं। इतना अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ, देखिए ये रिज्यूम, अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा पता नहीं प्रॉपर क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट WPS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको रिज्यूम मिल जाएगा, बहुत सारे रिज्यूम के मॉडल मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो मेन हाईलाइट होता है, किसी भी रिज्यूम के अंदर मेन हाईलाइट क्या होता है, दो डिफरेंस होता है, एक फ्रेशर के लिए जब हम रिज्यूम बनाते हैं, फ्रेशर, और एक एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट होगा वो अपने अचीवमेंट को काउंट कराएगा,
जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर मैं एमआर की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिज्यूम्यू की बात कर रहा हूँ, तो आप किस चीज़ को हाईलाइट करेंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें हम रिज्यूम्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दें, हमने इस कंपनी में यहाँ से यहाँ तक काम किया, यहाँ से यहाँ तक इस कंपनी में काम किया, दो कंपनी में काम किया हुआ है, तो इसके अलावा सारा फॉर्मेट लगभग सिमिलर रहता है सबका। चीज़ वहाँ पे अचीवमेंट मेंशन नहीं करते हैं, आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं? मैं पहले एक्सपीरियंस के लिए बता देता हूँ, उसके बाद फिर फ्रेशर पे आ जाऊँगा, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है कि ये जो आप लिखते हैं ना कि मैं इस डेट से इस डेट तक इस कंपनी के अंदर काम किया, जिन लोगों ने दो तीन कंपनी चेंज किया हुआ है, ठीक है, इस डेट से इस डेट तक, ये तो आपका एक हिस्ट्री हो गई कि आपका जो एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस को आप शो कर रहे हैं, लेकिन एक अचीवमेंट का उसी में कॉलम होता है। अचीवमेंट के कॉलम में आप क्या करेंगे कि आपने सपोज दैट कभी आपने क्वार्टर बजट अचीव किया हुआ है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, आई हैव अचीव्ड सेकंड क्वार्टर, जो भी डेट रहा 2019 थर्ड क्वार्टर अचीव किया, अगर मान लो बजट आपने फर्स्ट नहीं अचीव किया, सेकंड अचीव नहीं किया, लास्ट क्वार्टर आपने अचीवमेंट नहीं किया सपोज दैट, बट थर्ड क्वार्टर आपने अचीव किया हुआ, थर्ड लिख सकते हैं। ईयर में कोई ब्रांड में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, किसी ब्रांड को सपोज दैट आपने नया लॉन्च किया है, तो मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस ब्रांड को नया लॉन्च किया हुआ है। अगर उसी ब्रांड में ऑल इंडिया लेवल पे आपने परफॉर्म किया हुआ तो उसको मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट आपने ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है बट लॉन्च किया है और उस ब्रांड का नॉलेज आपको सही सलामत है, आपको अच्छा आता है, थोड़ा बहुत सेल किया आपने, तो उसको लॉन्च आप मेंशन कर सकते हैं अपने अचीवमेंट के अंदर कि ये पर्टिकुलर ब्रांड मैंने मार्केट के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च किया हो, थोड़ा सा उसको हाइपर कर दीजिए, ठीक है? तो ये चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो चीजें आप अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या और आपके ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट अगर आपने कंपनी के अंदर पूरे अपने आपको पूरा वन ईयर का एनालाइज करिए, फर्स्ट मंथ में क्या अचीवमेंट किया था, आप ध्यान से सोचिए कि मैंने फर्स्ट मंथ में क्या अचीवमेंट किया था, प्रोडक्ट कौन से अचीव किए थे, किसका 100% टारगेट किया था। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं दिख रहा होगा, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि सर मेरे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं, मैंने टारगेट भी 100% अचीव नहीं किया, मेरा ब्रांड का भी टारगेट अचीवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर उन किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लोग क्या मेंशन करेंगे अपने अचीवमेंट के अंदर, वो आप अचीवमेंट के अंदर मेंशन करेंगे जो पर्टिकुलर ब्रांड बेच रहे हैं आप साल्ट, इस ब्रांड के बारे में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, आई हैव एक ट्रेनिंग, जैसे कंपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग कराती है, ट्रेनिंग मेंशन करते, हमने इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, ये मेरा अचीवमेंट है, या इसका मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया हुआ, उस पर्टिकुलर कंपनी में मैं ट्रेनिंग में गया था, इतने दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ है, या इसमें मैंने क्रैश कोर्स कर रखा है, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप अपने सेल को एनालाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आपको पॉइंट्स निकल के आएंगे फ्रेंड, तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हैं, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन का भी डिपार्टमेंट देखते हैं आप, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया होता है तो आप लिख सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज है। आप मार्केट से क्या बोलते हैं ऑर्डर भी कलेक्ट करते हैं ना डॉक्टर से, PO भी कलेक्ट करते हैं ना, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पे ये इसमें कॉलम आता है, रिज्यूम आप देखेंगे फॉर्मेट, तो इसके अंदर ये भी मेंशन करने के आता है। देखिए इसमें एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल सेट आता है, एक स्किल सेट में आपको कौन से स्किल सेट है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्किल सेट आपके पास आता है, POB कलेक्ट करने का भी आपके पास स्किल सेट है, आपको स्टॉकिस मैनेज करने का है, पीपल मैनेजमेंट का स्किल सेट, ये चार पांच स्किल आप इजिली जो है फ्री फंड का ऐड कर सकते हैं, और ये रिज्यूम में ना आपके वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। देखिए रिज्यूम में क्या होता है कि हमें इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है कि जो हमारे अंदर है वो उसको इंटरव्यूअर रिज्यूम देख के ही जान जाए, तो इस तरीके से जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मेंशन ही करेंगे, करियर ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन, करियर ऑब्जेक्टिव में आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं क्या करियर है, बहुत सारे लोग ना जो लिखा रहता है रिज्यूम के अंदर बना बनाया वही टीप देते हैं, तो आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर मुझे GM बनना है, तो करियर ऑब्जेक्टिव में क्लियर करिए कि मुझे GM बनना है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो वही रहेंगे, फिर फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये प्लेस वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको रहेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छा एक रिज्यूम के अंदर आता है जो इस पे आते हैं, इसमें ना एक स्किल सेट का ऐसे कॉलम बना के देते हैं, देखिए इसमें डॉट डॉट करके दिया हुआ है कि MS ऑफिस आपको कितना आता है, तो उसके हिसाब से आप खुद की रैंकिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना इस पे जो चीज़ें मिलेंगे आपको कहीं और किसी और रिज्यूम में नहीं मिलेगा, तो इसमें अपने आप को आप खुद नंबर दे सकते हैं, 10 मिनट से आप MS ऑफिस में कितना आप देते हैं, एक्सेल में आप देते हैं अपने आप को मैं 5 पॉइंट,
एमएस पावर पॉइंट में देता हूँ 8 पॉइंट, जिस हिसाब से आपको स्किल सेट है उस हिसाब से आप उसने आपको खुद भी पॉइंट फाई कर सकते हैं। सेलिंग स्किल आपने लिख दिया तो आप कॉलम खुद बनाइए, आपको सेलिंग स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश नॉलेज, प्रोनाउंसिएशन नॉलेज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये बहुत सारे ऐसे कॉलम आप डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपनी नंबरिंग खुद कर सकते हैं। तो ये अपने आपके जो रिज्यूम होता है ना काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। अभी जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें सबके लिए अप्लाई हो जाती हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। फ्रेशर के पास देखिए क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनी वाला जो डेटा मैंने बताया वो नहीं करेंगे। आप क्या मेंशन करेंगे, आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे सेमिनार्स हुए रहते हैं उसका अचीवमेंट आप करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने गए हैं वहाँ उसको आप अपने अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई स्किट कंपटीशन कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट किया है उसको मेंशन कर सकते हैं, आपके कॉलेज के अंदर कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है वहाँ आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, कुछ आपने जीता हुआ है वहाँ पर, अगर जीते हैं तो भी बात, अगर नहीं जीते हैं तब भी एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है तो भी उसको मेंशन करिए, ठीक है। क्लास के अंदर आपको कभी कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिला हो किसी वर्क के लिए, कभी अगर कंपटीशन हो जाता है, कई बार मतलब गानों के लेकर कंपटीशन हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं आपके कॉलेज में, वहाँ अगर आपने किया, कोई फैक्ट्री टूर किया हुआ है, सपोज दैट आपको प्रोडक्शन में गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, वहाँ फैक्ट्री टूर करके आए हैं, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो फ्रेशर लोग हैं जो कॉलेज की पूरी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं 4 ईयर 3 ईयर जिनका जो भी सिस्टम, जो लोग ग्रेजुएट करके आए होंगे 3 ईयर जो फार्मेसी करके आते हैं 4 साल का जिनका कोर्स होता है, तो आपने जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। और जो मैंने आपको ये WPS बताया हुआ है, हाँ सर फ्रेंड ट्रस्ट में आप जाके एक बार चेकआउट करिएगा, आपको इतने क्लास जो है रिज्यूमे मिलेगा कि आप कहीं ढूंढते रह जाएंगे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है रिज्यूमे टिप्स एंड रिज्यूमे हैक्स जो आप किसके ऊपर परचेज रिज्यूमे एक्चुअली डले हुए हैं, तो आप इसको यूज करिए और अपने रिज्यूमे को बिल्कुल अट्रैक्टिव नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, ठीक है। 3D रिज्यूमे भी इसके अंदर है, पावर पॉइंट रिज्यूमे भी इसके अंदर है, रिज्यूमे कवर भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार जाके देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए ये वीडियो अगर आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एज वेल एज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक देता हूँ, वहाँ पर जाके आप उन सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मुझसे कोई क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे चैट कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं उसका भी लिंक दिया, ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सारे मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके फॉलो करके मुझे आप ट्वीट कर सकते हैं या फिर मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।